मुतवक्किल ने फिर 1,00,000 रुपया भेजा, आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ, 3 बादशाहों ने जुल्म किए, हुजूर ये मैं आपका कायल हूँ, मैं आपके बड़ा कदरदान हूँ, आपके साथ बड़ा ही जुल्म हुआ, ये 1,00,000 रुपया नजराना कबूल कर लें। और जिसको भेजा था उसको कहा कि अगर इमाम साहब कबूल न करे ना तो उनको अर्ज करना कि आप पैसे ले लें और आपको जरूरत नहीं है तो गरीबों को दे देना। ये थे वो उलमा जिन पर हुजूर ने नाज फरमाया, जिनके जिम्मे हुजूर अपना दीन छोड़कर सारी दुनिया से तशरीफ ले गए। जब बादशाह 1,00,000 रुपया आया ना आप रो पड़े, आपने फरमाया या अल्लाह पहले तो मेरे दीन का इम्तिहान होया, हुण मेरी दुनिया का इम्तिहान होने लगा, ये मेरे लिए उस इम्तिहान से सख्त इम्तिहान है कि बादशाह आप मुझे पैसे देने लग पड़े, या अल्लाह ये क्या इम्तिहान है मेरे लिए। आपने फरमाया ओए वापस ले जा, मैंने पैसे नहीं चाहिए। क्या हुजूर बादशाह कहंदा सी हजरत साहब नु अर्ज करना, मंगते नु दे देना। आपने फरमाया मेरे घर के मुकाबले बादशाह के महल के बाहर ज्यादा मंगते आंदे ने, वापस ले जा, बादशाह नु कहना मंगते नु अपने हाथ नाल देवे, अहमद बिन हंबल तेरे पैसे लेके सवालिया नु भी नहीं देने। ये वो लोग थे जिनकी वजह से आज भी इस्लाम नाज करता है।